पॉलिटिकल एडिटर संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, कांग्रेस ने धौलपुर में नहीं खोले हैं पत्ते। बीजेपी ने अभी तक केवल धौलपुर सीट पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की घोषणा की है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को नहीं दिया गया है टिकट, जबकि कांग्रेस ने राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा को प्रत्याशी बनाया है। धौलपुर सीट पर बीएसपी ने पूर्व चेयरमैन रीतेश शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बीजेपी से निष्कासित धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। वहीं पूर्व सीएम राजे भी धौलपुर प्रवास के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा की। हालांकि उन्होंने गिने चुने लोगों से मुलाकात की। चुनाव करीब है पर दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी चरम पर देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव नजदीक, लेकिन गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। टिकटों को लेकर देखिए सस्पेंस बरकरार है। इसके साथ बता दें कि जो दावेदार हैं या जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जबकि कांग्रेस ने राजाखेड़ा से विधायक रोहित को टिकट दिया और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने ज्वाइन की है कांग्रेस। फोन लाइन पर पॉलिटिकल एडिटर संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, चुनाव नजदीक है, एक महीने का समय भी अब नहीं रह चुका है, 25 तारीख को मतदान किया जाएगा, लेकिन जो दावेदारी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, टिकट का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। संदीप जी, रीता बिल्कुल, जैसे कि प्रदेश में आगामी 30 अक्टूबर से प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन धौलपुर जिले में अभी तक दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की ओर से प्रत्याशियों का चयन भी नहीं हो पाया है। भाजपा ने धौलपुर विधानसभा और कांग्रेस ने राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, शेष बची 3 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विधानसभा से संभावित माने जा रहे प्रत्याशियों की नजर अब जयपुर के साथ दिल्ली पर भी टिकी हुई है। घोषणा नहीं होने से प्रचार के मैदान में पूरी तरह से दमखम नहीं लग पा रहा है। टिकट को लेकर मामला सस्पेंस होने से मजबूत दावेदारों के लिए पसीने छूटने लगे हैं। जी दिशा बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने धौलपुर से अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये जैसे भाजपा ने अभी तक केवल धौलपुर सीट पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के नाम की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने राजाखेड़ा सीट पर वर्तमान विधायक रोहित बोहरा को ही दोबारा प्रत्याशी बनाया है। धौलपुर सीट पर बसपा पहले ही पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रितेश शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि भाजपा से निष्कासित वर्तमान धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर चुनावी पारा काफी बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी धौलपुर प्रवास के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा में है। हालांकि उन्होंने गिने चुने लोगों से ही मुलाकात की है। जी रिप्या, बिल्कुल जाहिर है संदीप जी, चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, लेकिन आपने बगावती सूर देखे होंगे संदीप जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने अपनी दो दो सूची जारी कर दी हैं और तीसरी सूची का इंतजार यहाँ सभी लोग कर रहे हैं, उम्मीदवार भी कर रहे हैं। अब जिस तरीके से जो बगावती सुर है, इसकी क्या जो वजह है वो देखी जा रही है। इसके अलावा जो लोग नाराज हो गए हैं इन दोनों पार्टियों से, अब उन्हें कैसे मनाएंगे दोनों दल? बिल्कुल सही है, जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले भाजपा संगठन ने धौलपुर में जिला अध्यक्ष के बदलने पर माहौल बदल गया। संगठन अंदरूनी खींचतान बनी हुई है। संगठन के कई पदाधिकारियों ने चुप्पी साध दी और दूर से गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उधर कांग्रेस को भी नया जिला अध्यक्ष मिला है, हालांकि कांग्रेस के पुराने संगठन पदाधिकारी कमान संभाले हुए हैं। यहाँ भी संगठन के पदाधिकारी टिकटों की घोषणा पर नजर रखे हुए हैं। जिले में बाड़ी और राजाखेड़ा सीट पर तो अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, जिससे चुनाव से पहले टिकट पाने का मुकाबला भी अब दिलचस्प हो गया है। बसेड़ी और बाड़ी सीट पर भाजपा की टिकट किससे हाथ लगेगी, इसका भी लोगों को अब बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कई दावेदार इसको लेकर मैदान में है।
बिल्कुल आपने सही कहा, कई दावेदार मैदान में नजर आ रहे हैं, तीसरी सूची का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। संदीप मिश्रा जी, जो लोग नाराज हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, या जिसको टिकट नहीं दिया गया तो उसने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इससे मुश्किलें खड़ी हो सकती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही है, इसको लेकर जरूर मुश्किलें खड़ी होंगी और इसी को साधने में अब दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। आज जैसे कि प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर थी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं दोनों नेतृत्व को ये इशारा भी कर दिया है कि गुटबाजी और विरोध को बड़े तरीके से साधना होगा और कांग्रेस को जिताने की भरपूर कोशिश करनी होगी। इसी तरह भाजपा के आला कमान से भी उनको यही मैसेज है कि गुटबाजियों को साधना है और कहीं भी विरोध के स्वर जो भी आए तो उनको जाके खुद ही अपने ऊपर मैनेज करना। बिल्कुल संदीप जी, चुनौती दोनों के सामने है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, जो रूठे हैं उनको कैसे मनाया जाएगा, जो नाराज हैं उन्हें कैसे करीब लेकर आया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी अधिक जानकारी देने के लिए।